चराचरम् तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जय कारण बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोल श्री स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोल संत महादेवानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोल संत देव भगवान की जय। गण गण वासी थे लोकीनाथ परम आराध्य परम श्रद्धे ब्रह्मदर्शी श्री नंगली निवासी भगवान जी प्रातः स्मरणीय स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज जी हम सभी के हृदय सम्राट स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज जी के श्री चरणों में नम्र वंदन अर्चन करते हुए मंच पर आसीन ब्रह्मनिष्ठ परिभाषकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज जी के श्री चरणों में चरण वंदन अर्चन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं जिनमें उस हरि के स्वरूप के दर्शन करता हुआ मैं आप सभी को नम्र वंदन अर्चन करता हूं। हमारे मध्य हमारे माता जी के भ्राता के रूप में और शक्ति स्वरूपानंद जी के माता पिता के रूप में श्री आनंद शर्मा जी सरोज जी मैं क्षमा चाहूँगा मैं नाम से संबोधित कर रहा हूँ आप सब मेरे बड़े आदरणीय हैं और आदरणीय श्री सुरेंद्र जी हम प्रेम से जो नाम लेते हैं मेरे को आज तक वास्तविक नाम मेरे अनिल शर्मा जी हाँ जी मामा जी और मैं यहाँ बैठे हुए एक एक गुरु प्रेमी का नाम ले सकता हूँ इंद्रजीत चड्डा जी का पूरा परिवार अनेजा जी का पूरा परिवार शांति मामी आज आशीर्वाद लिया हमने उनसे है ना दुआ जी का परिवार सहनी परिवार अरोड़ा परिवार है ना पुष्पा जी बैठी है हमारे मध्य नीलम जी बैठी है एक 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 व्यक्ति का मैं यहाँ पे सकूजा परिवार कहूजा परिवार है ना और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने ही भक्त जैसे मल्होत्रा जी हैं है ना हमारे मनोज सानी जी भी अब कुछ समय से हमारे साथ हुए हैं सहाय जी शायद उनके नाम से बहुत लोग परिचित भी नहीं होंगे गुलचंद जी के साथ आए मेरा बहुत प्रेम स्नेह है भारद्वाज जी शर्मा जी बैठे हैं हमारे इनके पिताश्री जी के भी मैंने दर्शन किए हुए हैं ये अजय भारद्वाज जी का एक 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 का नाम मैं ले सकता हूँ संजय मैं आप ये बहुत गजब की बात है कि ये वो परिवार है जिन्होंने इस शरीर को बाल रूप में भी प्रेम दिया जब मैं बच्चा था जब सत्यार्थी जी महाराज जी के दर्शन करने ये सभी परिवार श्री राजयोग मंदिर आते थे ये लाटू जी इट्टी ये सब मेरे साथ के लोग थे इट्टी खड़े बीच तो पवन खड़ा है इनके पिताजी रमेश जी मतलब मैं एक एक व्यक्ति का नाम से पुकार सकता हूँ आप समझे मुझे तब भी स्नेह दिया
जब मैं बच्चा था तो बाल रूप में स्नेह दिया, फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, ये मेरे मित्र के रूप में राजीव भैर जी से मेरा परिचय था यहाँ पे, फिर बाद में हमारा प्रेम बढ़ता चला गया। फिर आपने एक छोटे भाई के रूप में प्रेम दिया, फिर एक समय आया जब आपने गुरु पुत्र के रूप में स्नेह दिया, फिर एक समय आया जब माताजी ने श्वेत वस्त्र दिए तो आपने एकदम अपने नजरिए में परिवर्तन लाकर और आदर और सम्मान के भाव से मुझे वो स्नेह वो प्रेम दिया। और आज पुनः ये जीवन में परिवर्तन आया तो आपने इसमें भी उसी प्रेम से, उसी स्नेह से, उसी जोश से मेरा स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ। इस दौरान इतने सारे विचार उठे, बहुत से लोगों ने बोला, मुझे लगा कि नहीं इस बात को उत्तर दूंगा, फिर किसी ने बोला नहीं इस बात, इतने सारे विचार उठे कि सब कुछ मतलब उलट सा गया। परंतु आज सत्संग, क्योंकि हमने ना यहाँ सुभाष नगर की कुटिया में कुछ एक ऐसे प्रेमी हैं जो वाकई ज्ञान की खोज में रहते हैं, तो उनके साथ बहुत गहन हमारी चर्चा भी हुई। अगर कम भी लोग होते हैं तो जब हम मासिक सत्संग में मैं आता हूँ तो हमारा योग के बहुत गहन विषयों पर काफी अच्छा यहाँ पर वो रहा। निर्मल अनिजा आंटी जी को बहुत उत्सुकता रहती है, वो मेरे से अनेकों बार अनेक प्रश्न करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस सत्संग का कोई लाभ नहीं कि मैं कुछ सोच कर आया और मैंने बोल दिया और आप सब सुन के उठ के चले गए। मुझे उस सत्संग में ज्यादा आनंद आता है जब आप प्रश्न करते हैं और मैं उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि उसका अर्थ यही है। जब सत्य का संग होता है तो उसका अर्थ भी यही होता है कि हमारी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। अंजू सेठी जी, पावा परिवार, मतलब सभी लोग, बोच ने नलवा परिवार, बीच में एक क्षण ऐसा है जब मुझे ऐसा लगा कि जब आज थोड़ा सा ज्ञान से अलग हटकर बात करो, जब अभी ढोल बज रहा था तो अनु जी, शिवेन जी, ये सब बच्चे नाच रहे थे, तो मन में एक विचार जागृत हुआ कि मृत्यु का भय उसको होता है जिसको जीना नहीं आता। जब व्यक्ति को जीना आ जाए तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाए, और ये जीवन उस प्रभु ने जीने के लिए ही दिया। कितने लोग हैं जो इस जीवन को जीते हैं, सोचकर देखना। आप में से बहुत की आयु 60-65 वर्ष हो गई होगी, किसी की 70 भी हो गई होगी, कोई मेरे आसपास भी होगा 50 के। कब आपको लगा कि मैंने अपने जीवन को जिया है? निभा तो रहे हैं पर जी नहीं रहे, और जो जीना नहीं जानता मृत्यु के भय से वो ही त्रस्त होता। ऐसा सौभाग्य पता नहीं कौन से जन्मों का प्रारंभ, कौन से जीवन का प्रारंभ, स्कूल में जन्म मिलना, ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बचपन कटा, जवानी कटी, दीक्षित हुए, ज्ञान मिला, सही मार्ग मिला, मार्गदर्शन मिला, वानप्रस्थ मिला, संन्यास मिला, है ना, और ऐसा परिवार मिला जिसने इस मार्ग पर जाने के लिए आंसू नहीं बहाए,
बल्कि सतगुरुदेव भगवान की उसको पूर्ण कृपा समझकर उसका अभिवादन किया, उनके निर्णय को, उनके हर हुकुम को सिर और माथे पर स्वीकार किया। ये बहुत शायद मैंने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण अभी तक तो नहीं देखा जब जहां पर इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सहयोग संपूर्ण बंधु बांधवों का, संपूर्ण परिवार का, माता पिता से लेकर अर्धांगिनी बच्चों का, सभी कुनबे के लोगों का जहां इतना स्नेह मिला हो और इतना उत्साह मिला हो कि आप इस मार्ग पर चलिए, हम सब आपके साथ हैं, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। हमारे मध्य अभी शरीर रूप से माता जी के ही भाई और मेरे मामा आदरणीय शिव शर्मा जी, मावी जी भी पधारे हैं, शायद मैंने भी और भी देखा था, हाँ जी पिंकी मामा जी को भी देखा। मैं आप सभी को नम्र वंदन अर्पित करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को अपने रिश्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मेरा ये मानना है कि साधु होना सरलता है, अभिमान नहीं है, साधु होना सरलता होती है, अभिमान का कारक तो राजपाट होता है। इसमें भी उदाहरण दूंगा शास्त्रों संपत्त, जैसे माता जी ने भी कहा कि बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी मंजी कितों लेके आई है समझो, फिर माता जी ने कहा कि आज आप सब परिवार इतने संपन्न हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। माता जी को प्रसन्नता होती होगी, मुझे भय होता है भाई, भय भय, मेरी बात को समझना। सन 90 से पहले के अपने अपने परिवारों को याद कर लो और 90 से 2022 तक अपने परिवारों को याद कर लो। शास्त्र में स्पष्ट उल्लेखित है, चाहे वो ग्रस्त के लिए हो या हम जैसे सन्यासी के लिए, हम उससे बाहर नहीं है। तपो राज राजो नर, तप से राज, वो बड़े बुजुर्गों ने गुरु महाराज जी की अत्यंत भक्ति करी, उनसे प्रेम किया, उनकी सेवा की, तो राज स्वरूप आज आप सब परिवार उस ऐश्वर्य को भोग रहे हो। मेरे पहले के कई जन्मों के कुछ ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे, जो आज मेरा इस कुल में जन्म हुआ तो आज ये राज मैं भोग रहा हूं। परंतु अगर संभल कर नहीं चले आप और मैं, तो तपो राज और राजो नर्क भी निश्चित विधान है। इस बात को सदैव अपने मस्तिष्क में धारण करके रखना, भूल मत जाना, अहंकार में मत आ जाना। आज साथे को रहे, आज साथे को लो, वो कमाई पिछली थी बाबा, आज जे कमाई ना कितनी ते अगले नरक की तैयारी बिल्कुल निश्चित। पर क्योंकि हम गुरु चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो वो समय समय पर हमें चेताते हैं, हमारी अंतर आत्मा हमारे करने के हर कर्म से पहले हमें चेताती है, करना है नहीं करना है। पर फिर वही भेद, दुख और सुख, दो शब्द है ना। मेरा ये मानना है मैं इसको बहुत मतलब बिल्कुल प्रबल तरीके से कहता हूं कि दुख नाम की कोई वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं है, केवल सुख ही सुख है। नहीं मानते ना? अरे नहीं मानते तो बताओ इसमें शर्माने की क्या बात है? ऐसा थोड़ा ना कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होगा ना। आप में से
सौ में से 100% लोगों के दिमाग में ये प्रश्न गया कि क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, दुख तो हम सबको ही होता है और तो दुख इनको भी हुआ होगा। दुख है नहीं, दुख को जन्म हम देते हैं जब हम उसकी रजा में राजी ना होके अपनी राजी को उसकी रजा बनाने का प्रयास करते हैं, वहां से दुख की उत्पत्ति आरंभ होती है, वहां से दुख आरंभ होता है। गुरु महाराज जी गड्डी के तुसी बहुत वधिया दित्ती होई है, ऑडी होंदी ते और मजा आ जाता, जो दित्ती होई है ओदा सुख नहीं है। मैं कह रहा जे एक्टिवा भी है तां भी ओदा शुक्र गुजार करे, दूजे दी है ऑडी वेख के जेड़ा परेशान हो रहे तो ए दुख की उत्पत्ति तुसी क्षण कर रहे हो, गुरु महाराज जी ने नहीं दित्ता। दूसरों के सुख से दुखी, अपने दुख से कोई, मैं अपना सत्संग कभी रिपीट नहीं करता पर आज मैंने एक बात रिपीट करनी है, छतरपुर में बोलकर रहा हूं अब यहां बोल रहा हूं, अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरे के सुख से। और मैं तो कहता हूं धन्य आप दृष्टि लोग जो आपके जिम्मे कितने काम है, मतलब घर गृहस्थी की टेंशन, कुछ पैसे वैसे को लेकर टेंशन, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, और उसके बाद देखो आपकी मैं कह रहा हूं महानता है कि उसके बाद आप सन्यासियों के जीवन की भी टेंशन लेते हो, क्या गजब की बात। मुझे सुभाष नगर के एक बच्चे का फोन आया, उसने मुझे कहा कि स्वामी जी एक प्रश्न करो, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बिल्कुल नहीं मानोगे, वो प्रवृत्ति तो मैंने त्याग दिया, ना मैं किसी से क्रोध करता हूँ ना मैं किसी का बुरा मानता हूँ। बुरा मानने का अगर इतना भी संयम नहीं आया तो फिर साधुता बेकार है, व्यर्थ है। उन्हें कहा जी मन में संशय है, आपने अपना नाम माधवानंद पुरी क्यों रखा, माधवानंद सत्यार्थी क्यों रखा? और फिर वो इतनी हंसी आई कार में बैठे बैठे, इतनी हंसी आई, मैं तो भाई धन्य हो आप लोग, मतलब आपको हमारे जीवन की भी टेंशन है, मतलब हम कितना महत्व रखते हैं आपके जीवन में, आप हमें याद करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके संशय का निवारण करता हूं, निवारण करता हूं। सनातनी संन्यास परंपरा में दस नामी विधान है, साधुओं के दस नाम होते हैं, जैसे आप शर्मा वर्मा ये वो कटोच मंडोक ये मतलब असंख्य है ना, पर साधुओं में दस नामी परंपरा होती है, पुरी है, बीजी है, सरस्वती है, भारती है, अरण्य है, पर्वत है, सागर है, दस नामों की परंपरा होती है। हम सभी सन्यासी जो नंगली परंपरा से जुड़े हुए हैं हम पुरी नामा है, पुरी नाम मतलब अद्वैतानंद जी पुरी, आनंद पुरी, तोतापुरी, स्वरूपानंद जी पुरी, स्वामी रामानंद जी पुरी, सुनना मेरी बात, सत्यार्थी उनका उपशीर्षक था और सत्यार्थी का अर्थ था और अर्थ है कि सत्य के अर्थ को जानने वाला सत्यार्थी। उन्होंने सत्य के अर्थ को पहचाना इसलिए उन्होंने अपना उपशीर्षक रखा सत्यार्थी। उसके पश्चात सत्यार्थी नाम का उपयोग हुआ स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज जी के साथ। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बहुत से बच्चे अपने नाम के आगे सत्यार्थी लगाने लगे, और फेसबुक पे मैं देखता था फलाना सत्यार्थी फलाना सत्यार्थी। अब आपने इतने महान पवित्र नाम को अपने नाम के आगे तो लगा लिया पर पोस्ट आप क्या डाल रहे हो वो आपको उसका ज्ञान नहीं है। तो नाम किसका चल रहा है? सत्यार्थी हमारे गुरुदेव का। तो मैं वो पहला शख्स था जिसने महाराज श्री जी से विरोध करने की तो मेरी कभी कोई ताकत ही नहीं थी उनके आगे, तो मैं देख लेता था कि आज महाराज जी का मूड कैसा है, तो महाराज जी का थोड़ा सा मूड देखकर बात करने की मेरी आदत थी। मैं देख लेता था आज मूड ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं करनी, सीधा गए प्रणाम किया और चुपचाप कमरे से बाहर। जितने वो खुद अच्छे मूड में होते थे हाँ बेटा सब ठीक ठाक, मैं समझ जाता था आज मूड बढ़िया है, आज खूब सारी बात कर सकते।
तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी यह सत्यार्थी शब्द सिर्फ आपके नाम के पीछे लगना चाहिए क्योंकि आप हमारी संस्था के प्रमुख हैं और गद्दी नशीन हमारे गुरुदेव हैं, तो ये परंपरा आपके साथ चलनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो आप? आज की तारीख में साका, अब मैं अगर किसी को गुड़ खाने से मना कर रहा हूं और मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं तो मेरी बात में वो प्रभाव कभी भी कदापि नहीं आएगा। आज साकार रूप में हमारी संस्था के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद सत्यार्थी जी विराजमान हैं, उनके विराजमान होते हुए अगर मैं अपने नाम के आगे सत्यार्थी लगाता हूं तो ये शिष्य धर्म की पालना नहीं है। तो धन्य है वो महापुरुष जो हमारे बारे में भी चिंतन मनन करते हैं। आप गृहस्थी हो, गृहस्थी का ही काम करो, सन्यासियों वाले काम हमें ही करने दो भाई, है ना। ये हमें अपनी बिरादरी का हमें पता है कि हमें किस प्रकार चलना है, हमारे को अपनी बिरादरी का पता है, अब अपनी बिरादरी का निपटाओ और ये सन्यासियों को सन्यासियों में ही रहने दो। स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। रवि जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। नंगली साहिब में जब सफेद वस्त्रों में मेरा रहना हुआ, एक वर्ष जब मैंने प्रण लिया और एक वर्ष मैं दिल्ली की ओर नहीं आया, सिर्फ नंगली साहिब महाराज श्री जी की समाधि की सेवा में रहा, उस समय स्वामी जी महाराज जी ने मेरे जैसे नाचीज को प्रथम बार मंच पर बोलने का अवसर दिया था श्री नंगली साहिब, और ना केवल अवसर दिया था, प्रमुखता से रवि जी ने ही समय दिया था मुझे, बहुत से सन्यासियों के बाद मुझको, और एक इनाम वो जाते जाते पिछले महीने ये मई में ऐसा देंगे तो शायद मुझे उसके पश्चात कोई संत दे नहीं पाएगा और उस इनाम की तुलना पैसों में हो ही नहीं पाएगी। मैं तो वैसे भी विरक्त सन्यासी हूँ, मैं माया वाया के चक्कर में वैसे भी रहता नहीं, आप सबको भी मैं निवेदन करता हूँ कि माया का माता माता जी को टेका करो, मैं तो ऐसे ही बहुत, मैं तो उनसे जेब खर्ची लेके अपना डीजल डलवा के काम चला देता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी ने, ये रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे उनके चैनल पे, अंतिम जो कार्यक्रम श्री नंगली साहिब में हुआ तब मैं सफेद वस्त्रों में ही था, उन्होंने मेरे से पूर्व रवि जी के पास मंच था, नंगली के जो काफी सीनियर संत हैं उनको भी पहले समय दिया और मुझे स्वामी जी से ठीक पहले, यानी कि हमारी भाषा में इसको कहते हैं प्राइम टाइम, साधुओं के मंच की जो वो परिभाषा होती है उसको ये प्राइम टाइम कहा जाता है, मुझे इन्होंने ठीक उनसे पहले दिया। और स्वामी जी महाराज जी ने जब ये कहा कि जब जब मैं इस बच्चे मनोज को देखता हूँ मुझे इसके दादाजी स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज जी याद आते हैं, तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई इनाम इस दुनिया में हो नहीं सकता।